अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घरों में खुश बाश हैं अपने प्यारों के साथ। तो नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि दिस इज़ ए प्रोग्राम कॉल्ड एज बी स्मार्ट, और इसमें मैं ज़रूर प्रोग्राम होस्ट करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ में मेरे साथ एक्सपर्ट ट्रेनर बिलाल मौजूद होते हैं। ही इज़ अ वेरी यू नो यूनिक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आदमी भी हैं, क्योंकि उनके साथ मेरी मुलाकात होती रहती है। सो आज का जो प्रोग्राम है इसमें लेग्स का ही वर्कआउट हम एक्सटेंड कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने लेग्स के बारे में बात की, आज लेग्स का वर्कआउट आप जो है वो डंबल्स के साथ या फिर फ्री वेट के साथ किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने घर के अंदर भी वर्कआउट करना होता है, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। हमने सोचा कि प्रोग्राम जो है हम कुछ ऐसा भी करेंगे जिसके अंदर आप सिर्फ फ्री वेट के साथ कर सकें। सो बिलाल को खुश आमदीद कहूँगा। कैसे हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, तबीयत भी सब कुछ ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। दिन ब दिन फ्रेश होते जा रहे हैं, हर प्रोग्राम में मैं बात कहता हूँ, और ये इस चीज़ का राज नहीं बताते, और मुझे इसकी वजह समझ में नहीं आती क्यों नहीं बताते। देखा स्माइल करके बात गई, जो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह बताएंगे। अच्छा ठीक हो गया, वादा हो गया बिलाल भाई का आपके साथ। तो जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या राज है उनको पता चल जाएगा। हमारे आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं बिलाल भाई। सर, जो हमारा जो आज का वर्कआउट है उसमें हम चार एक्सरसाइज करेंगे, आप घर में भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप पार्क में भी कर सकते हैं, जिम में भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वेटेड स्क्वाट है डंबल के साथ। सही, अहमद हमारे साथ हैं, वो आज करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, मन इसमें आपने जो कोशिश करनी होती है, नीज आपने आपकी पाँव से आगे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, नीज पाँव से आगे नहीं आनी चाहिए। हाँ, जस्ट लिफ्ट है इनकी, चिन अप है इनकी। ठीक है, और ज्यादा नीचे भी नहीं बैठना, कुछ लोग बहुत ज्यादा नीचे बैठ जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल ठीक लगा रहे हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं वो नी से भी नीचे चल जाते हैं। राइट, ठीक हो गया। इसमें आप 12 से 15 की रेपिटेशन लगा सकते हैं। सही, और राइट आर्म पे। ठीक है, इसमें कोशिश ये करनी होती है आपने कि आपकी जो नीज है पांव से आगे नहीं चाहिए। लोग गलत करते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे गलत, वो गलत। उसका साइड इफेक्ट भी बता देना कि ताकि लोग डर जाएं। उससे होता क्या कि आपकी नीज में पेन शुरू हो जाती है, अगर एट अ टाइम नहीं होती तो अबव 30-40 जब आपकी एज होती है तो आपकी वो पेन उसकी मकदार उसकी बढ़ जाती है, और वो फैक्ट भी नहीं आता होगा जिसके लिए आप जिस मसल के लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं। उसमें नीज की इंजरीज बहुत हैवी किस्म की नीज की इंजरीज होती है। सही है, ठीक है। जो हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है इसमें वो कफ रेज पकड़े हैं। इसमें कफ रेज में आपने ये कफ की एक्सरसाइज है इसमें। ठीक है, और इसमें 1 सेकंड ऊपर होल्ड करेंगे आप पाँव के सर। ठीक है, देखिए कमर सीधी है इनकी बिल्कुल। ठीक है, चेस्ट लिफ्ट है और चिन अप है इनकी। सही, और बाजू बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्लोली और स्मूथली लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें लोग करते हैं तेजी तेजी से करते हैं, वो गलत है। ठीक है, इसमें 1 सेकंड ऊपर होल्ड करना है और स्लोली नीचे आना है। ठीक हो गया, ये काफ रेज है। ठीक है, अब है वेटिंग लंजेस। ओके, इसमें भी आपने कमर सीधी रखनी है, वेटिंग लंजेस लगाएंगे। कमर सीधी है आपकी। अच्छा, ये जो आपकी जो नीज है पाँव से आगे नहीं जानी चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, ठीक हो गया। कमर सीधी, स्पाइन सीधी। ओके अहमद, सही। यानी कि ये तीसरी एक्सरसाइज है जो कि हम फ्री वेट के साथ कर सकते हैं। आप 10, ये भी आप ईच, इसकी जो रेपिटेशन होगी आपकी ईच वो 10 से 12 हो सकती है। ठीक है, ईच लेग के साथ। ठीक है, जो इसमें जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है इसमें हम स्क्वाट्स होल्ड करेंगे। ठीक है जी, इसको स्क्वाट्स होल्ड करते हैं। ठीक है, वो वाली पोजिशन है, लेकिन इसमें 30 सेकंड का 40 सेकंड का होल्ड होगा। सही, ठीक है, 30 से 40 सेकंड इसमें होल्ड ही रखना है इन्होंने। ठीक है, ठीक है, यानी कि 30 to 40 seconds होल्ड करने के बाद आपका एक सेट मुकम्मल हो जाएगा। जी, उसमें एक साइड आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ के मसल की और लोअर बैक की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपने ऊपर से पकड़ा हुआ बाजू का डंबल के साथ इसमें आपके शोल्डर भी आ जाते हैं। ये 30 सेकंड में पूरे हो गए। ऑलराइट, ठीक है, जो हमारी चार एक्सरसाइज थी वो ये थी। ठीक हो गया बिलाल भाई, थैंक यू वेरी मच, और हमारे परफॉर्मर को भी बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ थे। एंड दिस वन वाज अ वेरी यूनिक एक्सरसाइज जो कि इन्होंने लास्ट पे की, और चारों की चारों एक्सरसाइज यूनिक थी, और इसको ट्राई करने की वजह सिर्फ यही थी कि आप लोगों को बताया जाए कि आपके पास सिर्फ एक मैट मौजूद है घर में और साथ डंबल्स हैं, डंबल्स के साथ आप पूरे का पूरा वर्कआउट, पूरी बॉडी का वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप हमारे पिछले प्रोग्राम्स देखें तो उसमें हमने मज़ीद जो है आपको बाकी बॉडी पार्ट्स का जो आप कर सकते हैं वर्कआउट फ्री वेट के साथ वो भी पड़ा हुआ है। आज मैंने सोचा था कि लेग्स के ऊपर भी जो है इस तरह का वर्कआउट हो जाए ताकि आप आसानी से इसको कर सकें और फ़ायदा हासिल कर सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि आप तक हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। शाहज़ेब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।